एक, ओके, डब्ल्यू एन वन से, ओके, विल स्टार्ट वन लैपटॉप. तो टेल मी व्हाट इज इट आफ्टर. गिव मी सेकंड, आई विल सेटल विद लैपटॉप एंड अदर थिंग्स. So today is our 19th lecture. In 18th lecture, we have covered many constellations. We have covered many basic fundamentals. And today we will be covering one constellation and some leftover portion of 8th standard state government syllabus. So let's get into astronomy. This is our second slide, which talks about acknowledgement that every material here is from internet. Then we go into the second slide, which talks about the lecture number. Then we talk about the detailed syllabus, which we'll be covering today. So you can read out it for your own information. We'll be going through one important constellation, southern constellation called sculptor, शिल्पकार. Actual sculptor का मतलब शिल्पकार होता है, but वो sculptor नहीं, उसका कुछ अलग मतलब है, वो जानेंगे, but उसके पहले हमने आप तक कवर क्या क्या किया. So इतनी सारी चीजें कवर की है. अभी हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो sculptor है. ये मैंने दिखाया है आपको आसमान, जो तकरीबन हमने एक दो तीन महीने पहले स्क्रीनशॉट लिया था स्टेलेरियम का एट सम स्पेसिफिक टाइम. टुडेज कंडीशंस आर लिटिल डिफरेंट, सो आई एम शोइंग यू दैट ओनली. फर्स्ट यू विल सी दिस इज द स्काई ऑफ 17 फरवरी 2020 एट 17 एट 7:30 पीएम फॉर पनवेल. आई हैव रिटन इट क्लियरली देयर आल्सो. सो दिस इज योर स्काई इन पनवेल एट 19:30 आवर्स ऑन 17 फरवरी. Now this is the situation at that time. Today it will be little more. Sculptor must have already set at 7:30 or so. So this is that sculptor position. You should remember that most of the things what I am showing you may not be directly visible because of its magnitude and other things. So let's get into the little brief details. Sculptor constellation lies in the southern sky. To the south of Aquarius and Cetus. Aquarius मतलब कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं और Cetus मतलब एक आसमान में जो एक श्वापद है, मतलब किमिंगल बोलते हैं उसको, ओके, जो एक समुद्र में रहने वाला भयंकर जीव है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर निकोलस लोकाइल 18th सेंचुरी. इट वॉज द पीरियड एंड ओरिजिनली इट वॉज नेम्ड एज द apparatus sculptoris, which means that sculptor जो इस्तेमाल करते हैं उसके बहुत सारे apparatus. In short, the sculptor studio, मतलब sculptor के studio में जो बहुत सारा सामान होगा पत्थरों से मूरत बनाने के लिए, वो तो सारे सामानों के हिसाब से उन्होंने उसको नाम दिया. There is no direct connection, जो उस समय उनको सही लगा वो उन्होंने दिए. But later shortened that sculptor of studio to the sculptor. तो ये आपको यहाँ मैंने चित्र दिखाने की कोशिश की है, ऐसे ही किसी वेबसाइट से निकाला हुआ फोटो है. यह इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो दिया हुआ पैटर्न है वो आपके लिए यहाँ दिखाया है. आप देख सकते हो यहाँ इस पर्टिकुलर व्हाइट पैच में कि नीचे जो मैग्नीट्यूड स्केल है, 6 के सामने छोटा बिंदु, 5 के सामने थोड़ा बड़ा, फिर 4 के सामने, तो अगर ऊपर चले जाए तो आपको समझ में आएगा यहाँ कोई भी 5 या 6 के लेवल के आसपास ही है. या तकरीबन अल्फा की बात करें, डेल्टा की बात करें, गामा की, बीटा की, तो तकरीबन 5-4 के आसपास है. तो ये क्या है? और आप देख सकते हैं कि स्कल्प्टर जो है वो घिरा हुआ है सेटस से, एक्वेरियस से, फोनेक्स से, फिनिक्स से, फिनिक्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, फिर ग्रस से. लास्ट मतलब लास्ट लेक्चर में मैं ले नहीं पाया था कोई कॉन्स्टिलेशन, तो उसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिनिक्स मतलब हिंदी में जिसको हमने चटायु बोला, तो एक ऐसा पक्षी जो अपने खुद की जली हुई चिता से, राख से उभरता है फिर से, इस तरीके के उनके लिए नाम है. नाउ विल गो इनटू द
लिटिल डीपर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रप्टर. स्क्लप्टर इज अ रैदर लिटिल फेंट कॉन्स्टिलेशन विथ नो स्टार्स ब्राइटर देन थर्ड मैग्नीट्यूड. इट कंटेन्स द साउथ गैलेक्टिक पोल, मतलब अपनी गैलेक्सी जो है, कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे, मंदाकिनी, उसका जो साउथ पोल है उसका डायरेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर स्क्लप्टर की दिशा में है. ऑब्वियसली साउथ गैलेक्टिक पोल की तरफ जो स्टेलर डेंसिटी, मतलब तारों की घनता या तारों की उपस्थिति, तारों का प्रेजेंस बहुत कम है, और फिर भी वहां ओवरऑल 56 तारे हैं. अभी अपेरेंट मैग्नीट्यूड सबका जो है उनका तकरीबन 6.5 के आसपास है, बट ये जो कॉन्स्टिलेशन है सेवरल डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स के लिए अच्छी है. उसमें कार्टविल गैलेक्सी है, स्क्लप्टर गैलेक्सी है, स्क्लप्टर ड्वार्फ है. स्क्लप्टर 36वें नंबर पे आता है साइज के मैटर्स में. इट इज 36th कॉन्स्टिलेशन इन साइज टर्म्स, ऑक्यूपाइंग एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना, 475 स्क्वायर डिग्री. इट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर एंड कैन बी सीन एट ए लैटिट्यूड्स बिटवीन +50 डिग्री टू -90 डिग्री. नेबरिंग कॉन्स्टिलेशन हमने पहले ही देखा, एक्वेरियस, सेटस, फोर्नाक्स, ग्रस, फेनिक्स एंड पाइसिस ऑस्ट्रिनस. अगली बार हम स्पाइसिस पढ़ेंगे तो पाइसिस ऑस्ट्रिनस हमने बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, और दक्षिण दिशा में है तो उस तरीके से उसको ऑस्ट्रिनस, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सदर्न साउथ साइड की तरफ है, इस तरीके से लिखा जाता है. इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में, स्क्लप्टर में, टू स्टार्स लोकेटेड विद इन 10 पार्सेक. 1 पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर, 10 पार्सेक्स ऑब्वियसली हो गया 32.6 लाइट ईयर्स. तो अर्थ से 32.6 लाइट ईयर्स के, सॉरी, 32.6 लाइट ईयर्स के दूरी पे दो स्टार्स लोकेटेड है. द ब्राइटर स्टार इन अ कॉन्स्टिलेशन अल्फा स्क्लप्टोरिस विद अपेरेंट मैग्नीट्यूड 4.30 एंड नियरेस्ट स्टार इज क्लीसा 1, स्पेक्टर क्लास M1.5V, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14.2 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ. अल्फा स्क्लप्टोरिस जो है उसका स्पेक्ट्रल ट्रैप टाइप जो है वो P7IIIP है, एन अपरेंट मैग्नीट्यूड 4.3 के आसपास है, 780, तकरीबन 800 लाइट ईयर्स के आसपास है हमसे. इसी तरीके से ईटा है. अभी एक इम्पोर्टेंट स्टार इसमें है जो आपको मैंने गलती से शुरुआत में ही चित्र दिखाया था, ये है आर स्क्लप्टोरिस. इसकी खासियत ये है कि ये रेड जायंट है विच हैज बीन फाउंड टू बी सराउंडेड बाय स्पाइरल ऑफ अ मैटर लाइक इजेक्टेड अराउंड 1800 ईयर्स अर्थ. अभी आप जब भी तारे देखते हो तो आपको एक दो चीजें हमेशा ही याद रखनी है, जितने दूरी पे लाइट ईयर पे हो तारा है उतनी पुरानी चीजें हमको दिख रही है. तो अगर हम बात करें कि ये जो आर स्क्लप्टोरिस नाम का तारा है उस कॉन्स्टिलेशन में, स्क्लप्टर कॉन्स्टिलेशन में, शिल्पकार कॉन्स्टिलेशन में, उसमें रेड जायंट है, उसके बहुत सारे स्पाइरल्स दिखते हैं और कुछ मैटर इजेक्ट हुआ था 1800 साल अगो. ओके, ये तकरीबन एक 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पे है. इट इज सस्पेक्टेड टू हैव अनसीन बाइनरी कंपोनेंट टुवर्ड्स व्हिच इट्स थ्रोइंग द गैस. अभी कोई अनसीन बाइनरी है तो वो अगर ज्यादा पावरफुल है तो ग्रेविटी से इस तारे का मटेरियल वो खींच सकता है और वो खिंचाव भी दिख सकता है. यही चीज आपको मैं यहाँ बताना चाह रहा था. चलते हैं कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट की तरफ. ये है स्क्लप्टर गैलेक्सी. अब ये जो स्क्लप्टर गैलेक्सी लिखा है इसका दूसरा नामकरण है NGC 253. ये जो स्क्लप्टर गैलेक्सी है ये ब्राइटेस्ट मेंबर ऑफ स्क्लप्टर ग्रुप है. अब स्क्लप्टर ग्रुप क्या है? स्क्लप्टर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज लोकेटेड नियर द साउथ गैलेक्टिक पोल इन स्क्लप्टर कॉन्स्टिलेशन. थोड़ा लूज है ये ग्रुप. वन ऑफ द क्लोजेस्ट ग्रुप ऑफ द गैलेक्सी टू द लोकल ग्रुप, अपनी लोकल ग्रुप से सबसे करीब वाला. द सेंटर ऑफ द स्क्लप्टर ग्रुप इज अप्रोक्सीमेटली 12.7 मिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस फ्रॉम मिल्की वे. 12.7 मिलियन का मतलब होता है 127 लाख, मतलब तकरीबन 1.27 करोड़ लाइट ईयर्स फ्रॉम मिल्की वे. ये हम ऐसे बोल देते हैं फटाक से, बट ये दूरी काफी बड़ी है, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा.
हम बात कर रहे थे स्क्लेप्टर गैलेक्सी NGC 253 की, पैरल गैलेक्सी 247, NGC 7793। स्क्लेप्टर गैलेक्सी इज इंटरमीडिएट स्पाइरल गैलेक्सी इन स्क्लेप्टर। इट इज अंडरगोइंग पीरियड ऑफ इंटेंस डार्क फॉर्मेशन। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, इसको क्लोज व्यू भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिखा ले गया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है NGC 253 का क्लोज व्यू, जिसमें तारों को बनते हुए फॉर्म होते हुए हमने, अब भूलिए मत, ये क्लास जो आपके लिए चल रही है, जिसमें हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी मिक्स कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरुआती दौर में ही बताई जा रही है, जो है कि भाई स्टार बनते कैसे। तो स्टार बनते हैं कैसे, ये सीखा या समझा थेरोटिकली, बट प्रैक्टिकली देखा गया ऐसी जगह पे जो आपके अभी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। तो ये है NGC 253 का क्लोज व्यू, वेयर द स्टार फॉर्मेशन, इंटेंस स्टार फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्जर्व। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। ये आप समझ ही गए होंगे कि मैं लेके जा रहा हूँ आपको दूसरे डीप स्काई ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है, एक्सक्यूज मी, कार्टविल गैलेक्सी। कार्टविल गैलेक्सी इज अ लेंटिक्यूलर एंड रिंग गैलेक्सी इन स्क्लेप्टर। इट हैज गॉट विजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ 15.2 एंड इज अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ और सोलर सिस्टम, मतलब 500 मिलियन लाइट ईयर्स। इट इज अबाउट 1,50,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस, स्लाइटली लार्जर देन आवर ओन गैलेक्सी, जिसका डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर। दिस ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल क्लास ऑफ रिंग गैलेक्सी। आपको याद भी होगा कि हमने गैलेक्सी के टाइप पढ़े, उसमें कभी भी हमने रिंग गैलेक्सी टाइप कोई पढ़ा नहीं, जबकि यहाँ जिक्र हो रहा है कि ये रिंग गैलेक्सी है, मतलब आपके सिलेबस में 8वीं 9वीं 10वीं तक जो पढ़ाया जाता है वो बेसिक है। आगे जाके उसको और नए नए ज्ञान के भंडार जुड़ने लगते हैं। ये ज्ञान के भंडार आपको एकदम ही नए न लगे, इसलिए बेसिक सिखाने का काम अप टू 10th 12th या इंजीनियरिंग में किया जाता है। Now we'll go to something else. ये चित्र आपने देखा होगा। हम लोग आगे चलते हैं स्क्लप्टर ड्वार्फ की तरफ। इज ऑल्सो नोन एज स्क्लप्टर ड्वार्फ इलेप्टिकल गैलेक्सी और स्क्लप्टर ड्वार्फ स्फेरॉइडल गैलेक्सी। इट इज सैटेलाइट ऑफ आवर गैलेक्सी द मिल्की वे। इट हैज डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हार्लो शैपले इन 1937। स्क्लप्टर ड्वार्फ हैज एन अपेरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 10.1 एंड इज अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 लाइट ईयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। आप अभी समझ रहे होंगे जिन मैग्नीट्यूड स्केल्स की हम बात कर रहे हैं। हम ऐसा बोलिए कि स्टार्स छोड़ के, एंड्रोमेडा और एक दो गैलेक्सी छोड़ के, हम हमेशा ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जबकि नेकेड आई से बेस्ट विजिबिलिटी इज अराउंड 6। ओके ओके बोलेंगे तो 4, जैसे पोलस्टर 4 के आसपास की मैग्नीट्यूड रखता है, बट आपकी जानकारी के लिए आपके नॉर्थ में वो पड़ा हुआ है, हर रात दिखना चाहिए, बट मुंबई वाले, पुणे वाले, जो भी सिटी क्राउड है, वो देख नहीं पाते बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो मतलब 4 भी दिखना जहाँ मुश्किल है, जहाँ पे हम 15 वगैरह की बात कर रहे हैं, तो शायद एक अच्छी जगह से आपको एक अच्छे बाइनोक्युलर या टेलीस्कोप से देखना होगा। रिसेंटली आपके लिए मैंने एक अच्छा बाइनोकुलर खरीदा है। उस टाइप का बाइनोकुलर एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। ये बेसिकली 15x70 है। नॉर्मल प्रिफर्ड इज 10x50, 7x50 इज गुड फॉर स्टार गेजिंग, नहीं तो बहुत हिलता है वो, हेवी हो जाता है, बट मैंने लिया है ताकि जब आप इस तरफ आए तो आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ बाइनोकुलर से ही देखने मिले। तो ये हम स्क्लप्टर डार्क की बात कर रहे हैं, जहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे तारे हैं। बेसिकली एक गैलेक्सी का फॉर्म मूव लिटिल अहेड। ये पेंडोरास क्लस्टर है। इस पेंडोरास क्लस्टर को अबेल 2744 भी बोला जाता है। ये जायंट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है इन स्क्लप्टर कॉन्स्टिलेशन। क्लस्टर इज अ रिजल्ट ऑफ एटलीस्ट 4 सिमिलर गैलेक्सी क्लस्टर फिलिंग अप ओवर पीरियड ऑफ 35 करोड़ ईयर्स, यानी 350 मिलियन ईयर्स। इट वॉज निक नेम पेंडोराज क्लस्टर बिकॉज द कोलिजन ट्रिगर्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंड स्ट्रेंज फेनोमेना। अबेल 2744 इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3982 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। मोस्ट ऑफ इट्स मास इज अकाउंटेड फॉर डार्क मैटर, दैट इज 75%।
एंड हॉट गैस इज 20%, वेल द गैलेक्सी मेकअप अप्रॉक्सीमेटली 5%। ये मैंने आपको मेरे तीसरे चौथे पांचवें लेक्चर में कभी तो बताया होगा कि जितना भी दुनिया में विजिबल मैटर है, इट डजेंट काउंट मोर देन 5%। विजिबल मैटर मतलब स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, जो भी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है डार्क मैटर, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो डार्क एनर्जी। तो यहाँ उन्होंने वही जिक्र किया है कि पेंडोरा क्लस्टर में जो भी विजिबल चीजें हैं उसमें डार्क मैटर मतलब ब्लैक होल जैसी चीजें 75% है, हॉट गैसेस 20% मतलब नेबुला, वेल जो गैलेक्सी है वो 5% के आसपास है, जिसमें सब कुछ आता है। गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल भी होता है, उसमें स्टार्स भी होते हैं, नेबुलास भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो विल गो टू द नेक्स्ट। यहाँ आपको बहुत सारे क्लस्टर या जमावड़े के फॉर्म में गैलेक्सीज दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पेंडोरा क्लस्टर। क्योंकि बिहेवियर और स्ट्रेंज फेनोमेना यहाँ पे आम बात, ये सडन सिगार गैलेक्सी। अभी इसको गलती से जो एक मेसियर ऑब्जेक्ट 82 नंबर का है, जिसको बकायदा सिगार गैलेक्सी बोला जाता है, उसके साथ कंफ्यूज मत करिए। वो अरसा मेजर कॉन्स्टिलेशन में है, और अभी हम बात कर रहे हैं स्कलप्टर कॉन्स्टिलेशन की। NGC 55 नंबर है इसका, इसको क्लैडवेल ऑब्जेक्ट 72 भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट एजॉन है, एज है इसकी, इसका ये फेस नहीं है। सामने से कोई चीज देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं फेस ऑन। फेस ऑन मतलब फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं, या टॉप, एक्चुअली दिखता टॉप व्यू जैसा है, बट ये जो है ये साइड व्यू है, इतना पक्का। तो ये जो साइड व्यू आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग वालों को समझेगा, ये है आपका NGC 55, जो सदर्न सिगार गैलेक्सी है। आगे चलेंगे थोड़ा, अगर है कुछ तो या जैसे जायंट स्क्विड गैलेक्सी NGC 134, इट इज अ बार्ड गैलेक्सी अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन मतलब 6 लाख लाइट ईयर्स फ्रॉम अस। अपरेंट मैग्नीट्यूड लगभग 10 के आसपास इसकी है। तो दिस इज व्हाट इज एंड ऑफ स्कल्प्टर कॉन्स्टिलेशन। यहाँ मैंने जानबूझ के फिर से आपको स्कल्प्टर दिखाया, फिनिक्स कॉन्स्टिलेशन दिखाई, एचर्नर दिखा रहा हूँ इरिडियस कॉन्स्टिलेशन का, टुकुना मतलब कारंडव दिखा रहा हूँ, और SMC दिखा रहा हूँ। ये पुराना ही फोटो है जो फिनिक्स के टाइम पे हमने SMC के मतलब स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड के रेफरेंस में देखा था। आज क्लप्टर के रेफरेंस में आपको फिर से एक बार ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एकेडमिक का हिस्सा हो ना हो, आपके दिमाग के ज्ञान का हिस्सा बननी चाहिए ये कोर्स के बाहर। अभी हम आ रहे हैं एटलस एक्सटेंडेड के ऊपर। अभी मुझे कोई एक होनहार बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा कि हमने कहाँ तक कवर किया, ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया क्या, कोई तो लिखिए चैट बॉक्स में, हैव वी कवर्ड दिस, जल्दी। नो, श्लोक श्लोक वेट फॉर सम टाइम, विल गेट इट फ्रॉम संकल्प। संकल्प देखो जरा, ये हमने किया है क्या? मैंने ऐसे थोड़े काटा है, तो मैंने तो काट दिया और PDF भी बना दिया। क्या बात कर रहे हो आप, ये तो मैंने ये भी काटा है, तो मैंने ये भी, और तुम लोग ध्यान नहीं देते। ये मैंने काटा है मतलब मैं यहाँ तक गया हूँ 100%। एनीबडी सपोर्ट्स मी दैट आई हैव कवर्ड दिस 2 पेजेस? ऐसे नहीं कि आप मुझे एकदम साइड में नहीं रख सकते, मतलब रख सकते हो, अगर मैंने नहीं कवर किया तो मेरी जिम्मेदारी थी मुझे। अरे पिकड़े सर बोल रहे हैं कवर किया ये, तो मतलब सर सही। अभी सब लोग यस सर यस सर। अभी आगे अविरत और पिकड़े सर बताइए, ये भी कवर किया हमने जो आपके अभी स्क्रीन पे है? आप बता सकते हो तो अच्छी बात है। हैव वी कवर्ड दिस सर? यस वेरी गुड। नाउ दिस आई डोंट थिंक आई हैव कवर्ड, बट यू कैन गिव योर ओपिनियन। पिकड़े सर नो, ओके ग्रेट। सो वी स्टार्ट हियर, दिस इज द पॉइंट वेयर आई वाज रिमेम्बरिंग, आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक फ्रॉम दिस किड्स, इवोल्यूशन इज नॉट डन। बट संकल्प पहले वाला भी तो नहीं हुआ था दोस्त मेरे, ऐसे आप मुझे याद नहीं दिलाओगे तो कैसे चलेगा? ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों की मदद से मिली है, मैं पढ़ पाता हूँ, नहीं तो मैं पहले बीच बीच में एस्ट्रोनॉमी पढ़ना बंद कर दिया, पर आपके कारण मुझे एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 घंटा एस्ट्रोनॉमी जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, एंड इट्स अ ग्रेट हेल्प टू मी बिकॉज मुझे ये पसंद है। सो लेट्स गेट इनटू द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। मैं पढ़ूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज मैं ये टॉपिक पढ़ नहीं पाया इसके पहले।
इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विद टाइम रिजल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. वी हैव सीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ सन हैव नॉट चेंज्ड इन पास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स. स्टार्स इवॉल्व वेरी स्लोली फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम एज स्टार्स आर कंटिन्यूअसली इमिटिंग एनर्जी. देयर एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इवोल्यूशन का मतलब उसके शुरुआत यानी बॉर्न मतलब पैदा होने से मरने तक के लाइफ स्पैन में उसमें आने वाले चेंजेस जो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. लकीली सूरज जो है अपना जो 4.5 अरब साल से है उसके अस्तित्व में, बट उन्होंने अभी तक कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया, उसका हम पे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ. कुछ तारे बहुत स्लोली इवॉल्व करते हैं विद देयर लाइफ टाइम. सूरज इज वन ऑफ दैट पर्टिकुलरली मेन सिक्वेंस स्टार. एज स्टार स्टार्ट कंटिन्यूसली मीन ऑब्वियसली हम अगर सपोज कोई दीपावली में दिया जलाते हैं पंती, तो उसमें हम तेल डालते हैं तो तेल जितना है उतना ही वो चलेगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा. तो इस तरीके से हर तारे के आसपास जो गैस का जमावड़ा है जिससे वो बना वो कंज्यूम होता रहता है, तो एनर्जी बनती रहती है और उसके कारण वो गैस खत्म होने के कारण एनर्जी कम भी होती रहती है. फॉर देयर स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट दैट इज फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशन. हमने सुना पढ़ा पहले से कि कोई भी तारा जब शुरू हुआ और जल रहा है और चल रहा है तो उसमें दो चीजें हैं कि उसका एक फोर्स है जो वो बॉम्ब जो है हाइड्रोजन बॉम्ब वो गैस बाहर फेंकने में लगा हुआ, और दूसरा है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वीय बल जो उसको पकड़ के रखने में लगा हुआ. इनका बैलेंस चल रहा है तब तक बातें ठीक ठाक ही चल रही है ऐसा हम सोच. इट इज नेसेसरी दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कॉन्स्टेंट एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इनसाइड द स्टार. This generation of energy occurs because of the burning of fuel at the center of the star, and the reason for the evolution of star is burning off and therefore the decrease in the amount of fuel in their center. When the fuel in the center is finishes the energy generation stops. यहाँ हमने कुल मिला के वही बातें पढ़ी कि temperature अगर एक चीज है जिससे pressure बढ़ता है तो temperature pressure बढ़ने के लिए energy का supply जरूरी है, और energy के supply के लिए कहीं ना कहीं गैस का कंजम्पशन जरूरी है, और गैस का कंजम्पशन होगा तो एनर्जी बनेगी बट एनर्जी डिक्रीज भी होगी. अभी बोल रहे हैं कि एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द स्टार डिक्रीजिंग कब, जब एनर्जी जनरेशन रुक जाएगा. एनर्जी जनरेशन कब रुकेगा, जब फ्यूल का स्टोरेज खत्म हो जाएगा. तो ड्यू टू अगर एनर्जी जनरेशन खत्म हुआ टेम्परेचर कम होने लगा तो ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर द गैस प्रेशर डिक्रीजेस obvious, okay, and the balance between the pressure and the gravitational force cannot be maintained. So obviously, एक की तरफ जोर बढ़ गया, बट एक जोर लगा नहीं पा रहा, तो imbalance हो गया. As the gravitational force is now higher than the gas pressure, start contracting. Obviously, आप कुछ चीज दबा रहे थे और अंदर से आपको उतना support pressure नहीं मिल रहा है, तो आप उस चीज को दबा दबा के छोटी बनाना चालू कर. This causes another fuel to start burning. अभी ये दबाते 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 फिर से अंदर में इस तरीके का माहौल हो जाता है कि पहले जो टेम्परेचर 1.5 करोड़ के आसपास था, 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन, ये उससे भी ज्यादा हो जाता है. और इसके कारण अंदर में हाइड्रोजन जो खत्म हो गया था बट हेलियम जो प्रेजेंट था वो फ्यूज होने लगता है. When hydrogen as center is finished, helium starts undergoing fusion and energy generation starts again. How many fuels will be used depends on the mass of the star. बहुत जरूरी चीज यहाँ उन्होंने बताई नहीं, जो उन्होंने indirectly बताई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. अंदर बहुत कुछ चीजें हैं. हाइड्रोजन से हेलियम बन रहा है, हेलियम से आगे की चीज बन रही है, उसके आगे की चीज बन रही है, उसके आगे की चीज बन रही है. ऐसे आयन यानी लोहे तक का साइकिल कंप्लीट करने की क्षमता आज तक देखे गए तारों में होती है, बट उसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में जब तारा बना तो उतना ही हट्टा कट्टा होना चाहिए. 1 किलो के ज्यादा जगह 10 किलो वाला होगा तो ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, 10 किलो से ज्यादा अगर 100 किलो वाला होगा तो ज्यादा हट्टा कट्टा होगा. तो यहाँ हम किलो में बात नहीं करेंगे, हम सूरज का जो अस्तित्व दिखाने वाला गैस का जमावड़ा है, गैस का गोला है, उसको कंपैरिजन में लेंगे. 1 सूरज, 2 सूरज, 10 सूरज,
25 सूरज ऐसे बात करें, वो आगे उन्होंने लिखा है। सॉरी, यहाँ कंप्लीट हुआ कि नहीं? ओके। हाउ हायर द मास ऑफ द स्टार, हायर इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, ये हमने बात की। ड्यूरिंग दिस लॉट ऑफ चेंजेस ऑफ इन स्टार, अभी ये सब जो डायनामिक सिचुएशन है, ये फ्यूल से वो फ्यूल, वो फ्यूल से ये फ्यूल, ये बहुत ही ये चेंजेस लाती है तारों। एज द नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफर इन साइड द स्टार, इट समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम एक्सपांड्स, एंड अदर टाइम द स्टार गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इसको बोलते हैं पल्सेशन। तारा सिकुड़ गया, फिर एनर्जी बढ़ गई तो थोड़ा फैलने लगा। ये चीज लगती है उतनी छोटी नहीं है। ऐसे सोचिए, सूरज बड़ा हो गया, मर्क्यूरी तक आ गया, सिकुड़ गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, थोड़ी देर में फिर से बड़ा हो गया, वीनस तक आ गया, फिर सिकुड़ के मर्क्यूरी तक चला गया। इस तरीके के पल्सेशन बड़े बड़े तारों में देखे जाते हैं, जिसका यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। व्हेन ऑल पॉसिबल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेड, द एनर्जी जनरेशन फाइनली स्टॉप्स, जब सब फ्यूल खत्म हो गए और एनर्जी जनरेशन रुक गया, टेम्परेचर ऑफ द स्टार डिक्रीज होना चालू हो गया, बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड गैस प्रेशर खत्म हो गया, लेट अस नाउ सी इवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड एंड व्हाट द एंड स्टेजेस ऑफ द स्टार। अभी इवोल्यूशन को हमने क्या बोला था कि शुरुआत से लेके आखिर तक, अभी हमने तारा पैदा हो गया, लड़ झगड़ के हाइड्रोजन का, बाद में हीलियम का, ऐसे करके सबको उन्होंने फ्यूज कराया, कुछ का तो किया भी नहीं, बट फाइनली वो मरने की कतार पे आ गया। तो अभी उसका क्या हाल होगा, ये जानने के लिए चलते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म की तरफ, बट उसके लिए पहले ये पढ़ लें। द हाइयर द मास ऑफ द स्टार, फास्टर इज द रेट ऑफ इवोल्यूशन, द डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ स्टार, विच इज द पाथ ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स मास। हाउ डज द इवोल्यूशन फाइनली स्टॉप, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, तारा जितना बड़ा है उसका उम्र उतना छोटा है। सूरज का वजन, साइज, आकार मान इस तरीके से है कि वो 10 अरब साल की आयु लेके आया, जबकि जब हम हट्टे कट्टे तारों की बात करते हैं, कभी आपने सुना होगा ईटा करीनी, वी वाई कैनिस मेजोरिस, आपने ये भी सुना होगा एंटारस जो स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि में, आपने बिटलग्यूस यानी काक्षी सुना होगा जो मृग यानी ओरायन द हंटर कॉन्स्टिलेशन में, ये सारे जो रेड जायंट सुपर जायंट है, इनकी आयु उतनी नहीं है जितनी सूरज की, और इसके कारण शायद हर चीज को इतना समय मिला कि पृथ्वी का निर्माण हो सका, पृथ्वी इस तरीके से निर्माण होके बन सवर पाई कि हम लोग उस पे इवॉल्व हो पाए। द थिंग्स आर प्रिटी नॉट कूल द वे इट लुक्स, बट आर इंटरेस्टिंग एंड नीड टू बी स्टडीड इन डेप्थ बाय सम गुड स्टूडेंट, और यही हमारा उद्देश्य है इस लेक्चर के पीछे। तो देखते हैं कि भाई फाइनली स्टॉप कैसे होता है इवोल्यूशन। We have seen that when the energy generation stops, the temperature decreases, causing gas pressure to decrease, star contracts and its density increases. एक मिट्टी का गोला, नहीं एक स्पॉन्ज, कॉटन का गोला ले, एक कॉटन का गोला लिया बड़ा सा, कितना बड़ा, ऐसे सोचिए अपने सर इतना, फिर हमने उसको दबाना चालू कर दिया, तो कर दिया एक बड़े एप्पल की तरह, या नारियल इतना बड़ा बना, फिर नारियल इतना जब बना था तब उसकी जो डेंसिटी थी वो पहले वाले से ज्यादा, फिर दबा के उसको एक टेनिस बॉल इतना बना दिया, टेनिस लॉन टेनिस या क्रिकेट टेनिस, तो उतना बनाने के बाद उसकी डेंसिटी और बढ़ गई क्योंकि सारे फ्रेगमेंट करीब आ गए, फिर हमने उसको टेबल टेनिस के बॉल इतना बना दिया तो और करीब हो गया, फिर हमने उसको दबा दबा के जोर लगा के उसको जो कंचे खेलते हैं ना उतना बना दिया, तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ गई। यही बात यहाँ बताने का काम ये टेक्स्ट कर रहा है। द स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, व्हेन द डेंसिटी बिकम्स वेरी हाई, सम न्यू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स आर जनरेटेड व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेंपरेचर ऑफ द गैस। अब तक प्रेशर बढ़ाने का काम जो है वो कर रहा था टेंपरेचर, अभी बोल रहा है कि दबा दबा के उस मैटर को ग्रेविटेशन ने इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि अभी उसको दबाया नहीं जा रहा है, पर अंदर से प्रेशर जो आ रहा है वो भाई आपका नॉर्मल टेम्परेचर से प्रेजेंस दिखाने वाला प्रेशर नहीं,
ये कुछ अलग टाइप का प्रेशर, कहाँ से आया, क्यों आया, इसके इफेक्ट में जाएंगे नहीं अगर ये टैक्स नहीं जाता। टेम्पररी मान लो कि इन सच केस द गैस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट इवन आफ्टर द एनर्जी जनरेशन स्टॉप। तारे के अंदर का फ्यूल खत्म हो चुका है, तारा सिकुड़ने लगा, सब सिकुड़ते सिकुड़ते एक स्टेज पे आ गया, बट भाई साहब आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि ग्रेविटेशन में इतना दम नहीं है कि तारा एनर्जी ना होते हुए भी जो दम लगा रहा है टेम्परेचर के मदद के बगैर, उसे भी अपोज करने की क्षमता उस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ स्टार कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर एवर एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द एंड स्टेज ऑफ द स्टार। आप बोलोगे आप तो कुछ बोल रहे थे, वो मास पीस वाला कुछ फंडा है, बड़ा तारा रहेगा तो कुछ अलग होगा, उससे छोटा रहेगा तो कुछ अलग होगा, उससे छोटा रहेगा तो कुछ अलग होगा। यस, ये बताया गया कि ये हो सकता है कि दबते 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 तारा इस फॉर्म तक आ गया कि उसके आगे कोई ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन काम नहीं कर पा रहा है उसको दबाने का, और वो रुक गया। मतलब सोचिए कि मैंने आपको एक बड़ा सा पत्थर दे दिया और आप लोगों ने जो है उस पत्थर को दबाना चालू कर दिया और समझ गए थोड़ी ही देर में कि भाई ये जो है ये कुछ दब बिप तो रहा नहीं है, क्योंकि आपका जो जोर है वो सफिशियंट नहीं। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशन का भी एक अपना लिमिट होता है और वो लिमिट पोज करता है उसका अपना वजन। वजन बढ़ेगा तो उसका ग्रेविटेशनल का जोर बढ़ेगा। तो यही हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि कैसे होगा। ये स्लाइड हम बहुत बार देख चुके, फिर भी आपको कहाँ देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में। ये मेरा एक अभी एरो चलेगा, दिख रहा है आपको एरो, ये एक स्टेज हो गई, ये दूसरी स्टेज हो गई, ये तीसरी स्टेज हो गई। ये तीन पाथ है, ये तीन पाथ से तारों की मौत होती है, तो ये यहाँ जाएंगे ही नहीं क्योंकि शायद बहुत ज्यादा समय ले ले हमारा, तो हम चलेंगे सीधा यहाँ पे पढ़ने के लिए। देर आर थ्री वेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल मास, दस वी कैन डिवाइड स्टार्स इन थ्री ग्रुप्स, द पाथ ऑफ इवोल्यूशन एंड एंड स्टेज ऑफ द ऑल स्टार्स इन द सेम ग्रुप इज सेम, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आ गई जो बच्चों को एक टेक्निकल कॉम्पिटेंस देने के लिए बहुत जरूरी है। एंड स्टेज ऑफ द स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस देन 8 टाइम्स द मास ऑफ द सन। हमने ये आपको पहले ही बता चुके कि हम कंपेरिजन स्केल पे सूरज के मास को लेंगे जो तकरीबन है 2 × 10⁻³० नहीं, हाँ 6 × 10⁻²० तो पृथ्वी है, बराबर ठीक। तो ये था सूरज का मास, तो ये सूरज के मास से 8 गुना ज्यादा मतलब 16 × 10⁻³० इतने मास वाले तारे का हश्र यानी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा। स्टार इन दिस ग्रुप अंडरगो ह्यूज एक्सपांशन एंड देयर रेडियस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 100 to 200। मतलब मान लो कि सूरज का डायमीटर अगर 14 लाख किलोमीटर है तो 100 गुना बढ़ेगा, ओके तो 7 लाख का हो जाएगा या 14 लाख का हो जाएगा, एटलीस्ट 14 करोड़। तो वो कहाँ तक आएगा, पृथ्वी को टच करने आ जाएगा। इन दिस स्टेज दे आर कॉल्ड रेड जायंट स्टार, दिस नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्टार लुक रेडिश ड्यू टू देयर लोअर टेम्परेचर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप वो आग जलाते हैं ना कैंप फायर, तो आप उसमें हाथ घुमा सकते हो उस फ्लेम में, क्योंकि वो रेडिश येलोइश कलर की फ्लेम है और टेम्परेचर ज्यादा नहीं। बट वही आपके घर पे जो एलपीजी जलता है उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते हो क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि उसका कलर जो है वो ब्लू और सफेद, तो सब कलर जो है डायरेक्ट इंडिकेशन रहता है टेम्परेचर का। तो यहाँ पे उसका रेड दिखना जो है उसके टेम्परेचर का प्रतीक है कि वो तकरीबन 1,350 डिग्री केल्विन या सेंटीग्रेड के आसपास। लार्ज साइज ऑफ एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द स्टार लुक रेडिश ड्यू टू देयर लो टेम्परेचर, द साइज ऑफ द रेड जायंट स्टार इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप ऑफ स्टार इज शोन फिगर 19.2। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ रेड जायंट स्टार दिखाया, यहाँ सुपर जायंट स्टार दिखाया, ओके फिर सन दिखाया, फिर व्हाइट ड्वार्फ दिखाया। एक बार देख के रखिए कि रेड जायंट स्टार कैसे बड़ा होता है। जब फ्यूचर में हम ऑब्जर्वेशनल पार्ट लेंगे तो आपको ये भी समझाएंगे। लेट्स गो फर्दर, इसमें कुछ छूट गया।
एट, एट से पढ़ना है हमको, नहीं शायद, या एट द एंड ऑफ इट्स इवोल्यूशन दिस स्टार एक्सप्लोड एंड देयर आउटर गैस एनवेलप इज थ्रोन आउट। सूरज जब आखिर में मरेगा तो अपना जो आउटर एनवेलप है उसको फेंकेगा, द इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना चालू हो जाएगा, इट्स साइज बिकम सिमिलर टू द साइज ऑफ अर्थ। 14 लाख किलोमीटर डायमीटर की चीज का जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो सिकुड़ सिकुड़ के एक तकरीबन 12 साढ़े 12 हजार किलोमीटर का ही बनेगा। एज द मास ऑफ द स्टार इज मच हायर देन दैट ऑफ द अर्थ एंड द साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी इन द स्टार बिकम्स वेरी हाई। उस पर्टिकुलर व्हाइट ड्वार्फ जिसको बोला जाता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। इन दिस स्टेट द प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द स्टार बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी एंड इज एबल टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ आप समझे बात को कि जब हम व्हाइट ड्वार्फ जैसी चीज की बात कर रहे हैं, इसके पहले जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से आपका बैलेंस ऑफ द ग्रेविटेशन इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेशर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेशर क्या है आप सबको पता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में होते हैं, सेंटर में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो उनकी प्रक्रिया है घूमने की, इसके ऊपर आपका काफी ज्ञान बढ़ाने का काम आपने जितना अब तक साइंस पढ़ा है उसमें हुआ है, तो उसके अंदर हम ज्यादा जाएंगे नहीं। इस अवस्था में स्टार लुक्स वाइट क्योंकि उसका कोर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है, आउटर लेयर में भी 3000 डिग्री, बट कोर जो है वो लाखों हजारों डिग्री केल्विन पे रहता है। एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट इज कॉल्ड ड्वार्फ। व्हाइट है, ड्वार्फ है, तो व्हाइट ड्वार्फ हो गया। आफ्टर दिस इट्स टेम्परेचर कीप्स डिक्रीजिंग बट इट्स साइज एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, फॉर एवर। सो व्हाइट ड्वार्फ इज द एंड स्टेज ऑफ अ स्टार इन दिस मास रेंज। नहीं, व्हाइट ड्वार्फ ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो के वो ब्राउन ड्वार्फ होगा, धीरे धीरे वो काला हो जाएगा और उसके पास कोई अपनी एनर्जी नहीं है, तो लाखों करोड़ों अरबों साल बाद उस इस दुनिया में वो कहीं ऐसे ही अंधेरे में गुम हो जाएगा और कभी शायद किसी स्पेसशिप को टकरा भी जाए, अगर दिखेगा नहीं तो इट विल बी समथिंग लाइक एक कोई डार्क सा मेटेरियल या एस्ट्रॉयड टाइप का वो घूमते रहे। यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की गई है फिगर 19.7 में, द आउटर गैसेस एनवलप विच इज थ्रोन आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ विच इज एट द सेंटर। तो ये जो आपको दिखाया गया है इस तरीके के प्लेनेटरी नेबुलास जिसमें सेंटर में व्हाइट ड्वार्फ है और पूरा एनवलप गैस का फेंका गया है, ऐसे कई चीजें हमको देखने मिलती। एक रिंग नेबुला है, दूसरा आपका M1 क्रैब नेबुला है जिसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, बट जब वक्त आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। डू यू नो व्हेन द सन विल बिकम रेड जायंट इट्स डायमीटर विल इंक्रीज सो मच दैट इट विल स्वालो मर्क्यूरी एंड वीनस। इट इज पॉसिबल दैट अर्थ विल आल्सो बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सन। इट विल टेक 4 to 5 billion years फॉर द सन टू रीच दिस स्टेट। तो आज ही सब कपड़े वगैरह समेटने की जरूरत नहीं है, अभी 4-5 अरब साल बाकी है, तब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत। चले आगे, ये है एंड स्टेज ऑफ द स्टार हैविंग मास बिटवीन 8 से 25 गुना ऑफ द सूरज। दीज स्टार्स ऑल्सो गो थ्रू द रेड जायंट स्टेज, लेटर थ्रू द सुपर जायंट स्टेज, ड्यूरिंग विच देयर साइज में इंक्रीज 1000 टाइम्स। पहले वाले थे 100-200 टाइम्स, अभी ये 1000 टाइम्स बढ़ गया। द ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑकर्स विच ऑकर्स एट लास्ट इज वेरी पावरफुल एंड सो मच एनर्जी इज गिवन ऑफ वी कैन सी द स्टार ड्यूरिंग डे ऑल्सो। अब ये फालतू मैसेज एक आता रहता है व्हाट्सएप फेसबुक पे, मालूम है आ 2 तारे दिखेंगे, 4 तारे दिखेंगे, 5 सूरज दिखेंगे, ये सब फेकूगिरी, कुछ भी गलत चीज सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए डाली जाती है। बट अगर आप इस चीज को एस्ट्रोनॉमी के लेंस से देखें, नजरिए से देखें, तो ये बात कुछ हद तक सही है और कभी कभी होती रहती है। ये हालात है कि हम वहां होते नहीं, तो क्या है कि सूरज से 8 से 25 गुना बड़े तारे जब मरने की कतार पे होते हैं, तो जब सुपरनोवा रिएक्शन से वो अपने स्पेक्टेकुलर डेथ को मिल जाते हैं, तो उस समय उनके मरने के समय जो प्रभाव एक्सप्लोजन हम देख सके, अगर हमारे आसपास होगा तो, मतलब हमारी गैलेक्सी में हुआ, करीब हुआ, कुछ
लाइट ईयर्स के दूरी पे, तो हमको सचमुच वो तारा दिन में दिखेगा सूरज के मौजूदगी में। सूरज सूरज हम बोलते हैं, तो सूरज की मैग्नीट्यूड होती कितनी है, लगभग -25, 26, 24 इस लेवल पे। पूर्णिमा के चंद्रमा की मैग्नीट्यूड कितनी है, -12 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम बोल रहे हैं कि चंद्रमा कभी कभी दिन में सूरज के होते हुए दिखता है, तो अगर मैं बोलूं कि कोई तारा मरने की कतार पे हो और सुपरनोवा को मीट कर गया और उसकी मैग्नीट्यूड तकरीबन -12-15 के आसपास पहुंच गई, तो क्या हमको वो दिखेगा? नहीं दिखे, 100% दिखेगा। इसी चीज को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करके दो दो तीन तीन तारों की बात करने वाले गधे भी अपने दुनिया में हैं, तो वो चीजों को समझ नहीं पाते, तो उनका हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमको जानकारी के अभाव में कोई उल्लू न बने। यहाँ जो चित्र दिया दिखाया है बहुत ही ब्यूटीफुल वाला, ये है रिसेंट पिक्चर ऑफ द सुपरनोवा एक्सप्लोजन विच वॉज द फर्स्ट सीन इन 1054 AD। यू सोच लीजिए कि अपने जो संत ज्ञानेश्वर जी थे, उनके 100 साल पहले चाइनीज लोगों ने आसमान में एक बड़ा सा दूसरा तारा देखा। देखते रह गए 2-3 महीने, वो दिखता रहा, इतना ब्राइट था। बाद में पता चला जब हाल ही में उसके अच्छे टेलीस्कोप से, हबल स्पेस टेलीस्कोप से वगैरह फोटो लिए गए, तो पता चला कि उस समय उस तारे की मौत हुई और आज वो चीज फैल फैल के तकरीबन 900 साल बाद सामने आपके चित्र में जिस तरीके से देख रहे हो वो दिख रही है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो चीज है उसका क्या मतलब होता है। द सेंट्रल पोर्शन विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द एक्सप्लोजन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स साइज बिकम्स एज स्मॉल एज 10 किलोमीटर। अभी जो मैटर सेंटर में रह गया वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस चीज का जो मौत के घाट उतर गई वो थी कम से कम 8 से 25 गुना वजन में ज्यादा सूरज से। तो भाई उसका जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस था वो इतना ज्यादा था कि उसको इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाए, तो पृथ्वी के डायमीटर का न रहते हुए दबते 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 10 किलोमीटर तक पहुंच गया। और इस अवस्था में तारा कंप्लीटली प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बैरियर तोड़ के न्यूट्रॉन अवस्था में पहुंच गया। न्यूट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। द प्रेशर ऑफ दिस न्यूट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अगेन एंड इज कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर। जो अंदर की तरफ उसको खींचने वाला ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बैरियर को तोड़ दिया, इस अवस्था में वो न्यूट्रॉन के बैरियर को नहीं तोड़ पाता और न्यूट्रॉन स्टार का एंड स्टेज, सॉरी, बड़े तारों का एंड स्टेज न्यूट्रॉन स्टार बनते रह जाता। अभी हम थोड़ा न्यूनो पढ़ लेते फटाफट। As the size of this white dwarf is similar to the end of the Earth, their density is very large. One spoonful material of the white dwarf will weigh a few tons. As neutron stars are much smaller than white dwarf, their density is even higher. And one spoonful of material of this star will weigh approximately all living things on the Earth. यह इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। मैंने पूरा चंद्रमा ले लिया, दबा दबा के उसको टेनिस बॉल का, मालूम है प्रैक्टिकली नहीं होगा, बट सोचो डोरेमोन तो हमने भाड़े पे लिया तो उसने एग्री कर लिया, फिर हमने चंद्रमा को दबा के एक टेनिस बॉल या फुटबॉल इतना बना दिया। वजन पूरे चंद्रमा का एक फुटबॉल में आ गया, तो जब हम एक चम्मच निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसका वजन जो है भारत में रहने वाले लोगों के इतना तो होगा ही ना, तो ये बहुत ज्यादा हो गया एक चम्मच भर चीज के लिए। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इधर आएंगे तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक रावण नाम के किरदार थे माइथोलॉजी में, एक गणपति बाप्पा थे, और फिर ये रावण महाशय कुछ चीज लेके कहीं जा रहे थे और सडनली इससे कुछ गलत काम कर न बैठे ये उस पावर से, इसलिए सब देव लोगों ने मिलके एक जुगाड़ किया, कुछ आइडिया बनाई और उससे रावण जी से वो चीज छीन ली गई जो उनके पास होती, तो ज्यादा तकलीफ सबको होती थी। ये माइथोलॉजी पौराणिक कथा है, बट यहाँ मुझे उस चीज की याद इसलिए आई कि उस जमाने में अगर किसी को ये जानकारी थी किस तरीके से हाई डेंसिटी चीजें भी होती है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और जिस कवि कल्पना से ये उभरा आइडिया सचमुच एक मानने लायक चीज।
आपको इसके लिए कोई झंडा लेके दौड़ने की चीज नहीं है, बट वो आइडिया मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इस रेफरेंस में कि ऐसी चीजें यूनिवर्स में है। आज तक हमारी थ्योरेटिकल जानकारी उन चीजों के बारे में है, आज हम प्रैक्टिकली भी उस अवस्था में पहुंचे हैं जहाँ पे ब्लैक होल लेबोरेटरी स्केल पे तैयार किया जा सकता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ा जा सकता है। आप मुझे याद दिलाएंगे फिजिकल विजिट में तो मैं आपको ये स्टोरी अच्छे से सुनाऊंगा, आज इसमें वक्त जाया नहीं करता। स्टार इन आवर गैलेक्सी एक्सप्लोडेड 7500 ईयर्स बैक, ये अभी अच्छे से सुनो क्योंकि यहाँ कुछ टाइम ट्रेवल की बात हो रही है जो आपके दिमाग में नहीं आएगी अगर आप दिमाग से इसको सुनोगे नहीं। 7500 साल पहले हमारे गैलेक्सी में कोई तार टूटा। स्टार आज द स्टार इज अबाउट 6500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, हमसे वो 6500 लाइट ईयर्स की दूरी पे था। द लाइट इमिटेड इन द एक्सप्लोशन टुक 6500 ईयर्स टू रीच अस। इट वॉज फर्स्ट सीन ऑन अर्थ बाई द चाइनीज इन 1054, मतलब आज से 900 साल पहले। इट वॉज सो ब्राइट दैट इट कुड बी सीन ड्यूरिंग द डे ऑल्सो फॉर 2 ईयर्स, मैंने कुछ महीने बोला इन्होंने साल बोला। After 1000 years of explosion, the gases emitted during the explosion are seen to be expanding with the velocities of 1000 km/s। मैंने आपको दिमाग पे जोर डालने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो चित्र आपको ऊपर दिखाया गया ये है क्रैब निगल, ये है टॉरस कॉन्स्टिलेशन में जहाँ रोहिणी नाम का तारा भी। तो ये जो टॉरस आपको ये टॉरस कॉन्स्टिलेशन में दिखाऊंगा जब आप मेरे घर आओगे, वहां पे हुआ ये एक्सप्लोजन उस तारे में जो 6500 लाइट ईयर्स की दूरी पे। तो ऑब्वियसली जब हमको दिखा वो नजारा तो वो 6500 साल पहले हुआ था। हमको ये नजारा कब दिखा, 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले लोगों ने 6500 साल पहले हुआ नजारा देखा, तो आज हम जो नजारा देख रहे हो कितना साल पुराना है, 1000 साल में ऑब्वियसली 7500 साल पुराना है। और आज हमको वहां क्या दिख रहा है, ये ही। क्या ये चीज आपके दिमाग में उतरी, यस और नो लिखिए। अरे भाई लिखो चैट बॉक्स में यस नो, क्या हो रहा है, सब लोग चैट बॉक्स में हो कि नहीं, मेरी आवाज आ रही कि नहीं, मेरी तो लग रहा है मेरी आवाज आ रही है, आप लोग कुछ लिख ही नहीं रहे हो। गिव मी सेकेंड, मेरा आवाज आ रही है आप सब लोगों को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम डिस्कनेक्टेड। सर तुम्ही म्यूट आहे। सर यू आर म्यूटेड।
सर यू आर म्यूटेड। अभी अभी हो गया, अनम्यूट किया आपने, बताया अच्छा किया। बट यही चीज आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, जो बोला आपने अच्छी बात है। आयुष ठीक है, अभी मैं जाता हूँ फिर से प्रेजेंटेशन। ये काम भी करते हैं लोग, म्यूट कर देते हैं, बट वो कौन म्यूट किया वो पता चलेगा, उसको अगली बार क्लास से निकाल देंगे। ओके तो आप टेंशन मत लो, हर मिसबिहेवियर का सोल्यूशन है अपने पास। तो वी वर टॉकिंग कि 8 सोलर मास से कम व्हाइट ड्वार्फ बनता है, 8 से 25 के बीच में न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और 25 सोलर मास के ऊपर तारा पड़ने के बाद ब्लैक होल बनता है। तो स्टोरी खत्म हो गई, हो गई। चलो क्वेश्चन, चलो सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में जवाब लिखो। अवर गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, मंदाकिनी द्वीपिका, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस लाइट ईयर्स इज यूज, समटाइम पार्सेक इज यूज। ओके देन लाइट स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, देर आर अबाउट फलाना फलाना स्टार्स इन आवर गैलेक्सी 100 बिलियन प्लस, द एंड स्टेज ऑफ द सन विल बी व्हाइट डवार्फ, स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ क्या क्लाउड। भाई कौन से क्लाउड से बनते हैं, हाइड्रोजन क्लाउड। ओके मिल्की वे इज क्या गैलेक्सी है भाई, स्पाइरल आर्म गैलेक्सी है, वेरी गुड। स्टार्स आर स्क्वायर्स ऑफ व्हाट, आप लोग लिख नहीं रहे तो लिखो, एच का लिखो, स्टार्स आर स्क्वायर्स ऑफ व्हाट, व्हाट गैसेस। फिर आप लोग पढ़ते नहीं हो इसका मतलब, ये जरूरी नहीं है कि 8वीं के बच्चे ही पढ़ें। ओके हॉट गैसेस नहीं है, मिक्स ऑफ गैसेस भी है बहुत सारे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बाकी चीजें भी हैं, आप देख लो, शायद आपको अगर वो सुटेबल लगता है आप उसको वो डालो। मैं ये सब पढ़ नहीं पाया आज दिन भर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हाइड्रोजन हीलियम वाला चीज जो सर ने लिखा है वो सही होगा। द मासेस ऑफ द ऑफ अदर स्टार्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू द मास ऑफ द सन, ये सही बात है। लाइट टेक्स डॉट 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 टू रीच अस फ्रॉम द सन, हाँ अप्रोक्सीमेटली 500 सेकेंड, व्हाइल इट टेक्स डॉट 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 टू रीच अस फ्रॉम द मून, इट इज 1.1 सेकेंड। ओके ये सब आपको पता है, ये मैं पकड़ के चलता हूँ। द लार्जर द मास ऑफ द स्टार द फास्टर इज इट्स डेथ, और सर फास्ट। माइक क्यों ऑन कर रहे हो, ये इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं, ये आप जरा पक्का दिमाग में डाल दो। अब कौन हो क्या हो मैं देखूंगा नहीं, परमानेंटली अगर मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 90% लोग फ्री है, तो नुकसान आपका है। ये दिमाग में नहीं फिट हो रहा है, तो मैं मुझे मजबूर मत करो कि मैं रिकॉर्डिंग फिर से देखूं और किसने माइक ऑफ किया था मेरा, किसने माइक खुद का ऑन किया था वो देखूं, और मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूं। इस तरीके का बिहेवियर अपने घर तक सीमित रखेंगे तो अच्छा होगा। लार्जर द मास ऑफ द स्टार फास्टर इज इट्स कंजम्पशन एंड इमिट्स डेथ अर्ली, द नंबर ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द लाइफ ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स मास, हु इज टेलिंग लाइज, लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर टाइम, फॉल्स रॉन्ग, एंड स्टेज ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल मास, करेक्ट, द स्टार एंड्स इट्स लाइफ एज अ न्यूट्रॉन स्टार व्हेन द प्रेशर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस इट्स ग्रेविटी, नो इट्स व्हाइट ड्वार्फ, ओनली लाइट कैन इमिट फ्रॉम ब्लैक होल, नो इट्स फॉल्स, नथिंग कैन कम आउट, द सन विल पास थ्रू द सुपर जायंट स्टेज ड्यूरिंग इट्स इवोल्यूशन, नो इट विल पास थ्रू द ओनली रेड जायंट स्टेज, द सन विल एंड लाइफ इट्स लाइफ एज अ व्हाइट ड्वार्फ, करेक्ट। Now you can answer in a brief. How do stars are formed? We know that. Why do stars evolve? We know that. What are the three stages and stages of stars? We have read it today. Why was the name black hole given? Because nothing comes out. It's a black. Almost no lights, even not light comes out. So it's a black. That is why it's a black hole. Which type of stars ends their life as a neutron star? उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। If you are sun, write about your properties in your own words. Describe white dwarfs. Very good project. Use your imagination and make models of the Milky Way and the solar system. Write the effects if sun depends at here. Very, very interesting questions are being given. We are almost at the end of this particular lecture. Don't have any time to take your doubts. So we will stop here. Thank you very much for your kind, patient listening. Tata, bye bye. Good night. Don't switch on mic and say bye. Bye बोलने की जरूरत नहीं, लिखना ही है तो chat box में लिखो। माइक ऑन नहीं करना है, मतलब नहीं करना। ओके चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय।
चलो जल्दी जल्दी क्लास लीव करो।